हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास टेन का चैप्टर नंबर टेन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के एम तो इसमें देखो सबसे पहले जो एम है फर्स्ट क्वेश्चन इमेज फॉम्ड बाय प्लेन मिरर इज़ जो प्लेन मिरर होगा उसके अंदर कैसी इमेज बनती है तो उसका आंसर होगा हमारा इरेक्ट वर्चुअल और सेम साइज़ यानी प्लेन मिरर क्या के अहतरे जैसे जो घर में मिरर होता है हमारा उसमें हम अपनी इमेज देखते हैं तो जितनी दूर हम खड़े होंगे उतने ही दूर हमें वो इमेज दिखाई देती है और उतने ही साइज़ की हम जितने साइज के हैं उतनी साइज़ की हमें इमेज दिखाई देगी तो ये ऑप्शन हमारा सही है इरेक्ट वर्चुअल एंड सेम साइज़ फर्स्ट ऑप्शन में देखो लार्ज साइज़ है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज़ इसके अंदर सेम साइज़ है लेकिन जो इमेज है हमारी वो रियल रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज नहीं होती हमें अपनी जो इमेज है वो सीधी दिखाई देगी तो इसलिए हमारा जो आंसर है इरेक्ट वर्चुअल एंड सेम साइज़ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज़ कनकेव लेंथ की जो फोकल लेंथ कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या क्या होगी तो जो देखो कंकेव मिरर जो है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी हमेशा नेगेटिव होती है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि नेगेटिव है ये हमारा ऑप्शन जो है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर तो जैसे कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव ये नहीं हो सकता नेगेटिव वैन इमेज इज़ रियल नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है ऑलवेज फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव ही होगी चाहे हमारी जो इमेज है वो रियल हो चाहे इन्वर्टिड हो नेक्स्ट पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कन्वेक्स लेंस की पावर अब पावर जो है ये बात ध्यान रखनी है कि जो कन्वैक्स लेंस है हमारा या फिर कन्वैक्स मिरर है उसकी जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता सेकंड नेगेटिव और पॉजिटिव तो दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते एक टाइम पे एक ही साइन आएगा तो और जो थर्ड है हमारा पॉजिटिव तो ये आंसर हमारा करेक्ट है तो कन्वैक्स लेंस की जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव पावर ऑफ ए कन कन्केव लेंस कनकेव लेंस की पावर क्या होगी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होगी क्योंकि ये हमारी कन्वैक्स लेंस की थी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दोनों पॉसिबल एक टाइम पे नहीं हो सकती तो थर्ड हमारा आंसर है ये करेक्ट है नेगेटिव जो है यानी नेगेटिव पावर होती है कनकेव लेंस की इन ऑप्टिकल फाइबर्स द प्रिंसिपल यूज इज़ ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रिंसिपल यूज़ होगा वो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें स्कैटरिंग तो स्कैटरिंग का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि स्कैटरिंग फिनोमेना जो है उसकी वजह से जो हमारा जो जो आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई देगा इस तरह के फिनोमेना आएंगे उसके अंदर सेकंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज़ नहीं होगा उसके बाद रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन में क्या होता है लाइट बैंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऑप्टिकल फाइबर इसमें इसमें फाइबर का फिनोमिना नहीं हो सकता नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये फिनोमेना इसके अंदर यूज़ होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो इस तरह से एक पाइप की तरह होती है बहुत ही थीन जैसे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका बहुत ही पतला तो लाइट जैसे यहाँ से एंटर करेगी तो यहाँ से ये इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और हर बार यहाँ से ये ऐसे ही यहाँ से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा तो डी ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ए स्टिक पार्शली इन वाटर अपीयर्स ब्रोकन ड्यू टू जैसे छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी जैसे जो पेंसिल है या कोई भी जो हमारे पास स्टिक है लकड़ी है तो अगर उसको हम, हम पानी के अंदर जो है हाफ डुबोते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी जो सिद्धि नहीं है वो टूटी हुई है तो वो किस फिनोमेना की वजह से होता है तो रिफ्लेक्शन जो देखो फिनोमेना है रिफ्लैक्शन में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर पॉसिबल होगा तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है ओके okay. उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट द यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस इज़ पावर ऑफ यूनिट सॉरी पावर लेंस की जो पावर है उसकी यूनिट क्या होती है वो होती है हमारी डाई तो डी ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट है क्योंकि तो जो वाट है ये हमारी पावर की यूनिट होती है जो लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है उसकी यूनिट होती है किलो वाट भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी पावर की यूनिट होती है और जूल जो है हमारी एनर्जी की यूनिट होती है तो डी ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये देखो क्या है ये ये हमने लाज ये रिफ्लेक्शन के दो लाज होते हैं तो उसके अंदर देखो फर्स्ट ला क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा तो इसके अंदर जो ऑप्शन है देखो लार्जर लार्जर नहीं पॉसिबल है स्मॉल भी पॉसिबल नहीं है तो हमारा आंसर आएगा इक्वल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इज़ आर इज़ इक्वल टू एफ़ नहीं ये ये रॉन्ग है आंसर तो उसके बाद है हमारा आर इज़ इक्वल टू टू एफ क्लियर उसके बाद है हमारा आर इक्वल टू एफ बाई टू तो इनके अंदर जो ये जो बी ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट है यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा क्लियर है ये ऑप्शन हमारा ऐसे भी आ सकता है कि अगर ये भी ऐसे आ जाए एफ़ इज़ इक्वल टू आर बाई टू तो हमें इसके ऊपर टिक करना है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इलेवन विच मिररर इज यूज इन टोर्चेज एंड सर्च लाइट तो टोर्च और सर्च लाइट के अंदर हमारा जो कनकेव मिरर है वो यूज़ होता है क्योंकि प्लेन मिरर है प्लेन मिरर में तो कोई हमें फायदा ही नहीं होगा उसके अंदर लाइट ना तो कन्वर्ज होगी ना ना ही डाइवर्ज होगी तो इसके अंदर जो कन्केव मिरर है ये हमारा यूज़ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में विच मिररर यूज इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स यानी जो ड्राइवर होते हैं इसको हम ड्राइवर ड्राइवर मिरर भी बोल सकते हैं ड्राइवर की जो साइड में जो मिरर लगा होता है जिसमें वो पीछे का जो सीन है वो देखता है तो उसको पीछे की सारी गाड़ियाँ दिखाई वहाँ पे उसको दि, ए, दिखनी चाहिए तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑप्शन है जैसे हमारा कन्वैक्स मिरर तो कन्वैक्स मिरर क्या करता है कि बहुत बड़ा जो सीन है पीछे का उसको भी छोटा करके दिखाएगा यानी जैसे बड़े बड़े ट्रक जो पीछे से आ रहे होते हैं वो भी है एक छोटी सी एरिया के अंदर उसको दिखाई देंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कन्वैक्स मिरर ये हमारा करेक्ट है अगर कनकेव मिरर वहाँ पे अगर हम लगा देंगे तो कनकेव मिरर जो है बड़े बड़ी साइज़ की इमेज दिखाएगा तो उससे वो पूरा फ्रंट जो दृश्य है वो पीछे का सीन वो नहीं दिख पाएगा उसको उसके बाद जो प्लेन मिरर है प्लेन मिरर लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें एज इट इज इमेज हमारी दिखाई देगी पीछे की पीछे की जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी एज इट इज़ जो इमेज है पूरा कवर नहीं होगा पूरा नहीं दिखाई देगा ठीक है तो इसके अंदर आएगा हमारा कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच मिरर डी यूज इन व्हीकल्स हेडलाइट्स व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती है तो जैसे रात को व्हीकल्स चलते हैं तो लाइट वहाँ जो जलाते हैं उसको हम व्हीकल्स की हेडलाइट्स बोलते हैं तो उसके अंदर कौन सा मिरर यूज होगा प्लेन मिरर यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें जो लाइट या कम ज़्यादा नहीं होगी उतनी ही एज इट इज ही दिखाई देगी वो उसकी इंटेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कनके मिरर यहाँ पे यूज़ करेंगे नेक्स्ट द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट अब देखो जो डेंटिस्ट होते हैं उसको जब वो डेंट उसका जो इलाज करेगा जो दांतों का इलाज करेगा उसको दांतों की बड़ी इमेज चाहिए तो जो बड़ी इमेज है वो कौन से मिरर के अंदर पॉसिबल है कर्नवैक्स मिरर के अंदर तो पॉसिबल नहीं है ये तो छोटी इमेज दिखाएगा प्लेन के अंदर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनती है इसके अंदर तो नेक्स्ट ऑप्शन है कनके मिरर तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसके अंदर जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देगी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द मिरर इज़ यूज इन शेविंग मिरर तो शेविंग मिरर में भी जो हमें जो इमेज है वो बड़ी चाहिए तो उसके लिए भी क्या होगा कनके मिरर हमारा यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं या डॉक्टर यूज़ करते हैं या जो शेविंग मिरर होते हैं पार्लर्स में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो कनकेव मिरर है वो यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी तो फर्स्ट ऑप्शन है रियल रियल इमेज रियल इमेज क्या होती है उल्टी होती है हमेशा तो उल्टी इमेज हमें नहीं चाहिए उसके बाद है सेकंड वर्चुअल वर्चुअल इमेज जो है हमेशा क्या होती है सीधी इमेज होती है वर्चुअल स्ट्रेट होती है तो जैसे हम मिरर के आगे खड़े होंगे हमें वैसे ही अपनी इमेज दिखाई देगी तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसके अंदर और थर्ड ऑप्शन है बोथ रियल एंड वर्चुअल ये दोनों एक टाइम पे पॉसिबल नहीं होंगे रियल और वर्चुअल इसके अंदर नहीं है प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनती है क्लियर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सोलर कुकर मिरर्स आर सोलर कुकर के अंदर कौन सा मिरर यूज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कनकेव मिरर कनकेव मिरर क्या करता है जो लाइट है उसको जो है वो फोकस कर देगा एक पॉइंट पे और कस कु हमें जो सोलर कुकर है उसके अंदर हमें यही चाहिए कि जो लाइट है एक जो सन की लाइट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर फोकस हो जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव मिरर अगर कन्वैक्स मिरर यूज़ करेंगे तो क्या होगी जो लाइट है वो हमारी डाइवर्स हो जाएगी फैल जाएगी सन की लाइट तो हमारा जो फूड है वो प्रॉपर वहाँ पे कुक नहीं हुआ प्लेन मीटर अगर यूज़ करेगा तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जो लाइट है वो कुछ थोड़े एरिया के अंदर जो है फोकस नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन द रिलेशनशिप साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन इज नॉन एज तो इस ये जो फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन्स ला न्यूटन्स ला तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि न्यूटन्स के जो ला होती हैं वो फोर्स के बारे में होती हैं ग्रेविटी के बारे में होती हैं नेक्स्ट स्नैल्सला तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है इसको स्नैल्सला बोलते हैं ये एन क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ पे आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके बाद है नाइनटीन क्वेश्चन है लेंस फोमलाइज लेंस फोमला क्या होगा लेंस फोमला क्या होता है एक रिलेशन होता है वी यू और एफ के बीच में तो इसके अंदर देखो जो ऑप्शन है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू ये हमारा मिरर फॉमूला है ये लेंस फॉर्मूला नहीं है उसके बाद है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू माइनस वन बाई वी ये भी हमारा गलत है क्योंकि जो पहले जो टर्म होती है वो यहाँ पे आएगी हमारी v तो थर्ड ऑप्शन में ऐसा है वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू वी क्या है ये ये इमेज की डिस्टेंस है और ये u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मिररल फॉमलाइज तो ऊपर हमने पढ़ा था लेंस फॉमूला उसमें क्या होगा लेंस फॉर्मले में वन बाय वी माइनस वन बाई यू होगा लेकिन जो मिरर मिररल है उसके अंदर क्या होगा माइनस की जगह आएगा हमारा प्लस तो इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारा वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाय वी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है और जो ये है वन बाई एफ इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू क्योंकि प्लस का साइन है तो अगर इस टर्म को पहले लिख देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसके अंदर हमारा जो ए और सी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है क्लियर तो है तो नेक्स्ट है ट्वेंटी वन क्वेश्चन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है हमारी थ्री इंटू टेन डेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन इसके अंदर जो टेन की पावर है एट है बाकी में थ्री और थ्री तो दिया हुआ है लेकिन इसमें टेन की पावर टेन है टेन की पावर फोर्टीन है तो ये ऑप्शन दोनों हमारे इनकरेक्ट हैं ऑप्शन नंबर सी में थ्री इंटू टेन डेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड तो ये है हमारा करेक्ट ट्वेंटी टू वट इज़ द फॉमूला फॉर पावर ऑफ ए लेंस लेंस की जो पावर का फॉर्मूला क्या होगा तो वो है पी इक्वल टू टू एफ ये हमारा है रॉन्ग उसके बाद है पी इक्वल टू फोर एफ फोर टाइम्स ये भी नहीं होगा सी पी इक्वल टू वन बाई एफ जो फोकल लेंथ है वो पावर की इनवर्स होगी रेसी प्रोकल होगी तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है नेक्स्ट द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस की पावर इसमें हमें बताना है कि वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है तो जो कन्वैक्स लेंस की जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर करेक्ट है नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती नेगेटिव कभी नहीं होती जो नेगेटिव पावर है वो हमारी कनकेव लेंस की या कनकेव मिरर की होगी तो और कन कन्वैक्स लेंस या कन्वैक्स मिरर अगर है यहाँ पे तो जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी पॉजिटिव नेगेटिव ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है नेक्स्ट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस लेंस की मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा जो मैग्नीफिकेशन होती है हमारी देखो वो क्या होती है ऊपर होता है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की डिस्टेंस होगी उसको हम वी लिखते हैं और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम यू लिखते हैं अगर इनको हम डिवाइड करें तो ये आ जाती है हमारी मैग्नीफिकेशन एम तो इसका जो साइन है वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा जो लेंस है वो कन्वेक्स है या कनकेव है तो इस क्वेश्चन में हमारा केवल लेंस लिखा हुआ है यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कन्वेक्स या कनकेव तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है वी अपॉन यू बाकी ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत नहीं है इसमें उसके बाद है ट्वेंटी फिफ्थ इमेज फॉर्म बाई ए कनकेव लेंस तो कनकेव लेंस के अंदर हमारी जो इमेज होती है वो हमेशा सीधी इमेज हमें दिखाई देगी और जो सीधी यानी इरेक्ट इमेज जो होती है वो हमेशा होती है वर्चुअल तो रियल और इन्वर्टेड को कैंसिल करेंगे उसके बाद जो सी ऑप्शन है हमारा वर्चुअल ये हमारा करेक्ट है नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कन मिररर अब यहाँ पे भी देखो मेंशन नहीं है कि मिरर कौन सा है कन्वेक्स है या कनकेव है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिक्स होता है कि एम इक्वल टू होता है हमारा वी अपॉन यू तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन वी अपॉन यू इसका साइन कैसे वही साइन कैसे डिसाइड होता है अगर मिरर जो है कन्वेक्स या कनकेव है नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन द सब्सटेंस हैविंग हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो सब्सटेंस हमें बताना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा होता है डेंसर मीडियम तो यहाँ पे ग्लास एयर वाटर और डायमंड हमारा दिया हुआ है तो जो डायमंड है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाइएस्ट होता है इन तीनों के कंपेरिजन में द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज तो ये किसका फॉर्मूला है देखो हमने अभी एक क्वेश्चन पहले ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन में हमने मैग्नीफिकेशन किया था तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एम इक्वल टू वी बाई यू तो इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम कर दें तो वो भी हमारा क्या होता है मैग्नीफिकेशन तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसके अंदर मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है ट्वेंटी नाइन्थ ए डाइवर्जिंग मिरर इज़ डाइवर्जिंग मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी मिरर जो रेज को हमारी फैला रहा है फैला रहा है यानी डाइवर्स कर रहा है तो उसको कौन सा मिरर करता है वो जो कन्वेक्स मिरर है वो हमारा ये काम करता है अगर लेंस की पूछे अगर यहाँ पे होता डाइवर्जिंग लेंस तो हम तब हमारा ऑप्शन होता कनकेव कनकेव लेंस और अगर यहाँ पे मेंशन है जाएं जाएं मिरर तो हम लिखेंगे कन्वेक्स मिरर ए कन्वर्जिंग मिरर इज़ कन्वर्जिंग मीन्स जो लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करे यानी कि कन्वर्ज करे तो कन्वर्ज करे तो उसमें कौन सा मिरर होगा अगर यहाँ पे देखिए कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी तो कन्वेक्स मिरर तो नहीं होगा उसके बाद है प्लेन प्लेन मिरर तो जो प्लेन uh, मिरर जो है कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता कभी भी उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कनकेव यानी कनकेव मिरर जो है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं नेक्स्ट है थर्टी वन क्वेश्चन वट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्टी सेंटीमीटर तो जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो रिलेशन होता है फिजिकल टू आर बाई टू तो यहाँ पे हमारा गिवन है थर्टी सेंटीमीटर फोकल लेंथ तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे आ जाएगी व्हाट विल बी द फोकल लेंथ हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी थर्टी दी हुई है तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा थर्टी बाई टू यानी कि फिफ्टीन तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है फिफ्टीन सेंटीमीटर अब लास्ट में हमें देखो एक टेबल गिवन है इसके अंदर क्या है अलग अलग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है तो कोई भी मटेरियल का नाम दे के हमें एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे पहले देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री है इसको हम नियर अबाउट वन यूज़ करते हैं अगर हम नोमैरिकल्स करते हैं उसके बाद है आइस आइस का होता है वन पॉइंट थ्री वन वाटर का होता है वन पॉइंट थ्री थ्री यानी आइस से ज़्यादा होगा इसका एल्कोहल वन पॉइंट थ्री सिक्स कैरोसिन वन पॉइंट फोर फोर उसके बाद है बेंजीन का बेंजीन का होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव जीरो क्राउन ग्लास अब ग्लास में भी अगर क्राउन ग्लास है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वन पॉइंट फाइव टू होगा और सिंपल ग्लास की बात करें तो वो अलग होगा साल्ट जो नमक होता है वो होता है वन पॉइंट फाइव फोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट है रूबी रूबी एक जैसे डायमंड होगा उसकी तरह का एक मटेरियल है तो रूबी का होता है वन पॉइंट सेवन वन डायमंड का टू पॉइंट फोर टू इसी तरह आपको ये सारे जो हैं वो लर्न करने हैं अब इसमें अगर हम इंडेक्स किसका है तो जो ये डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मैक्सिमम है यानी सबसे जो डेंसर मीडियम है वो होगा देखो एक नंबर में एक और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे ये टेबल हमें दी हुई है इसके अंदर क्या दिया हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए टेबल लर्न करनी है देखो इसमें ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनी पे हमने रखा हुआ है तो इमेज उसकी बनेगी फोकस पे एफ पे और उसका साइज़ कितना होगा हाईली डिमनिश यानी पॉइंट साइज का उसकी जो साइज़ होगा और रियल इन्वर्टेड ही बनेगी अगर कन मिरर की बात है उसमें जो सभी केस में जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी सिर्फ एक केस में उसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी तो इसको पर्टिकुलर याद कर लेंगे कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो पोल और फोकस के बीच में है तो जो हमारी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी और बहुत ही बड़े साइज की इमेज बनेगी यानी एंड लार्ज बनेगी तो जो बिहाइंड द मिरर इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी बाकी बियॉन्ड सी है तो जो पोजीशन है इमेज की वो बिटवीन फोकस और सी के बीच में होगी छोटी डिमिनिश इमेज बनेगी पॉइंट साइज़ की नहीं होगी लेकिन एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी साइज़ की होगी अगर सी पे है यानी अगर सी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी हमारी सी के ऊपर ही बनती है और सेम साइज़ की बनेगी अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ़ के बीच में रखा हुआ है तो इमेज है जो बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे बनेगी और बहुत इससे बड़े साइज की बनेगी एंड होगी एट एफ अगर फोकस पे बनी है तो इन्फिनिटी पे हमारी इमेज बनती है ये फर्स्ट केस का अपोजिट है अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज हमारी इन्फिटी पे बनेगी हाईली एंड लार्ज बहुत ही बड़े साइज की हमारी इमेज बनेगी अब सेकंड जो ये टेबल है ये हमारा है कन्वेक्स मिरर को यूज़ करके तो इसके अंदर दो केस होते हैं यही आपको लर्न करने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमारी बनती है फोकस पे क्लियर और साइज़ क्या होता है हाईली और पॉइंट साइज़ का ही और वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही इसके अंदर हमेशा बनती है अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है तो इमेज हमारी पी और एफ के बीच में ही बनती है और बिहाइंड द मिरर बनेगी बिहाइंड द मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है डिमिनिश साइज़ की बनेगी छोटे साइज की बनेगी ये नेक्स्ट टेबल है हमारी लेंस के बारे में कन्वेक्स लेंस के केस में तो जैसे हमारी कनकेव मिरर के केस में लगभग जो ये जो पांच केस हैं उनमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी तो ऐसे ही कन्वेक्स लेंस के, के केस में हमारी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी सभी केस में एक लास्ट केस है जो उसके अंदर जो है वर्चुअल और रियक्ट इमेज बनेगी तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगी बहुत ही छोटे साइज़ की बनेगी रियल इन्वर्टेड बनेगी बियॉन्ड टू एफ़ वन अगर टू एफ वन के पीछे है तो इमेज बनती है एफ़ टू और टू एफ टू के बीच में डिमनिश यानी छोटे साइज़ की बनेगी टू एफ वन पे है तो टू एफ टू पे बनेगी एफ़ वन और टू एफ वन के अगर बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो टू एफ़ टू के पीछे इमेज बनेगी और बहुत ही बड़े साइज़ की बनेगी अगर फोकस पे एफ वन पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी और बहुत बड़े साइज की बनेगी अगर फोकस पे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एफ और ओ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो वो जो इमेज है वो उसी साइड बनेगी जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत ही बड़े साइज की और सिर्फ इसी केस में हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ये जो नेक्स्ट टेबल है ये होगी हमारी कनकेव लेंस को यूज़ करके इसके अंदर पोजीशन देखो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनी पे अगर रखेंगे तो फोकस पे ही बनेगी यानी चारों जो अगर कनवैक्स कनकेव मिरर या कन्नवैक्स और कनकेव लेंस की बात करें जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो हमेशा इमेज हमारी फोकस पे ही बनती है पॉइंट साइज़ की बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और अगर बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी हमारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और डिमनेश यानी कि छोटे साइज़ की और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारी बनेगी